हेलो डियर फेडेक्स कस्टमर, योर पार्सल हैज बीन रिटर्न ड्यू टू बीइंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम सेंडिंग आउट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज प्रेस 1। टू कॉन्टैक्ट अवर कस्टमर सर्विस प्लीज प्रेस 0। फेडेक्स, वी कनेक्ट यू टू द फ्यूचर। Our logistics solutions connect people with goods, services, ideas, and technology through a wide range of shipping services. Serving more than 220 countries and territories worldwide, FedEx, we connect you to the future. Our logistics solutions connect people with goods, services, ideas, and technology through a wide range of shipping services, serving more than 220 countries and territories worldwide. FedEx, we connect you to the future. Our logistics solutions connect people with goods, services, ideas, and technology through a wide range of shipping services, serving more than 220 countries and territories worldwide. FedEx, we connect you to the Hello, FedEx International Courier Service. बताइए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं सर? हाँ सर, मेरे को ना एक ये मैसेज आया कि मतलब मेरा कुरियर होल्ड में चला गया, तो मैं इसीलिए कॉल किया। क्या क्या सर? जी सर, सर मैं बोल रहा था मेरा कुरियर ये जो है ना, मेरे को एक मैसेज आया था, मतलब मेरा पार्सल है वो होल्ड पे चला गया। ओके सर, सर ये एक सिस्टम जनरेटेड आईवीआर कॉल है सर। हो सकता है कि फेडेक्स कुरियर सर्विस में आपको कोई पार्सल पेंडिंग या रिजेक्ट रहा होगा, उसी के रिगार्डिंग आपको ये कॉल प्राप्त हुआ। ओके, आपके पास सर अगर फेडेक्स का कोई पार्सल भरा है तो बताइए, मैं सिस्टम में चेक कर लेता हूँ। नहीं मतलब मेरे पास, क्योंकि हमारा कंटिन्यूस शिपमेंट यूएस से आता है जाता रहता है, तो मेरे को पता नहीं कौन सा होल्ड हुआ, तो मेरे को ऑटोमेटिक कॉल आया ना, तो इसलिए मेरे को चेक करना था कौन सा। आप देख सकते हो क्या आपका ठीक है? लाइन पर लाइन, ठीक है सर, लाइन पर बने रहिए, मैं सिस्टम में चेक करके बताता हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? मेरा नाम लोकेश महेश, लोकेश लोकेश LOKESH लोकेश। आपका पूरा नाम है? आर लोकेश, आर लोकेश, हाँ आर लोकेश सर, हाँ आर लोकेश ही है और कुछ नहीं। नाम बताने के लिए धन्यवाद, कृपया लाइन पर बने रहिए, मैं सिस्टम में चेक करके बताता हूँ सर। लाइन पर बने रहने के लिए धन्यवाद सर, यहाँ पर आपके नाम से एक पार्सल शो हो रहा है। जी सर, हाँ हाँ बोलिए सर। सर यहाँ पर आपके नाम से एक पार्सल शो हो रहा है, उससे पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर कंफर्म करवा लीजिए सर। 9886585235 यही है सर? यही है आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर? हाँ सर। नंबर कंफर्म करने के लिए धन्यवाद सर। जैसा कि मैं अपने सिस्टम में चेक कर पा रहा हूँ कि आपके नाम से एक पार्सल डेट 18 सितंबर 2024 को मुंबई से ताइवान को भेजा गया था सर, जो कि सक्सेसफुल डिलीवर नहीं हो पाया सर, उसी की रिकॉर्डिंग आपको ये कॉल किया है। क्या आपको सर इस पार्सल की कोई पार्सल के बारे में कोई जानकारी है सर आपको? हाँ हाँ है सर। सर ये पार्सल मुंबई से ताइवान को भेजा गया था, करेक्ट? हमने तो पावर टूल्स, उसका ही कोई कंसाइनमेंट होगा सर। ये एक इलीगल पार्सल था जो कि 18 सितंबर 2024 को मुंबई से ताइवान को भेजा गया था सर। क्या आपको सर इस पार्सल के बारे में कोई जानकारी है सर, जो कि सर ये पार्सल सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो पाया सर? हाँ करेक्ट सर, उसमें ना हमारा एक्सपायर्ड वो
तो उसका स्पेयर्स होगा तो वो हम लोग भेजे थे ताइवान में टेस्ट कराने के लिए। ठीक सर। सर आपको आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर आप थोड़ा लाउडली बोले सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है कभी कभी। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, हमारा क्लियर नहीं है सर। हाँ हमारा टूल्स का बिजनेस है, हम लोग कुछ टूल्स भेजे थे ताइवान को तो वही गया होगा। सर ये एक इलीगल पार्सल था जो कि सर कस्टम डिपार्टमेंट ने मुंबई एयरपोर्ट पे होल्ड कर दिया है। सर ये जस्ट वेरिफिकेशन कॉल है आपको जानकारी के लिए कि ये पार्सल आपसे दोबारा भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है सर मुंबई से। हाँ भेजा गया सर, भेजा गया। सर ये किली के पार्सल है, ठीक है सर, जो कि कस्टम के द्वारा मेंशन किया गया है सर, सम पासपोर्ट, सम क्रेडिट कार्ड, सम एमडीएमए सर। ये जस्ट वेरिफिकेशन कॉल आपके लिए जनरेट किया गया है फेडेक्स की तरफ से कि ये कॉल आपके द्वारा भेजा गया है कि नहीं भेजा गया मुंबई से ताइवान सर। सर भेजा गया बता रहा हूँ ना। हाँ मैं ही भेजा हूँ, क्या करना है आगे, इसको पहुँचाना है, क्या करना है इसको? सर ये इलीगल पार्सल है, ठीक है सर, आप इसके खिलाफ एक्शन ले सर, ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर। सर अगर आप इतनी छोटी यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये इलीगल पार्सल सर आपने नहीं भेजा है सर, ठीक है सर। इलीगल नहीं है, वो केमिकल है, उसका पूरा मटेरियल सेफ्टी सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है, इलीगल कैसे होगा? सर ये इलीगल पार्सल है, सर ये इलीगल पार्सल है जो कि मुंबई एयरपोर्ट पे सर उसको होल्ड कर दिया है सर। अरे ये जस्ट वेरिफिकेशन कॉल है आपको जानकारी के लिए। हाँ मैं हाँ, समझ गया, इलीगल नहीं है वो, उसमें उसमें क्या होता है ना, केमिकल्स है वो, उसका मटेरियल सेफ्टी सर्टिफिकेट सब कुछ होता है, वो इलीगल नहीं है, क्योंकि अगर इलीगल होता तो फिर पैकिंग करने के टाइम में। पर सर जैसे कि मैं अपने सिस्टम में देख पा रहा हूँ कि इस पार्सल को भेजने के लिए आपका नाम, आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर और आपके आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी हमारे फेडेक्स मुंबई ब्रांच पर रजिस्टर कराई गई है। क्या आप मुंबई से हैं सर? हाँ मुंबई से ही हूँ। सर अगर आप इतनी छोटी यकीन के साथ कह रहे हैं कि इलीगल पार्सल आपने नहीं भेजा है सर, तो सर हो सकता है कि कोई आपकी आईडी का गलत इस्तेमाल करके ये इलीगल पार्सल मुंबई से ताइवान भेजने की कोशिश अच्छा, कर रहा हो। हाँ, मैं करेक्ट, आपको बताना चाहूंगा कि सर ये जो पार्सल आपके आईडी पे भेजा जा रहा था ये कोई नॉर्मल पार्सल नहीं है सर, इसके अंदर कुछ इलीगल आइटम पाई गए हैं और कस्टम डिपार्टमेंट ने उसको मुंबई एयरपोर्ट पे होल्ड कर दिया है। तो सर क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ सर आपके सेफ्टी पर्पज के लिए? सर अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना सर? जी सर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, मतलब ऐसा पुलिस केस नहीं होगा ना? सर क्या आपने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इस तरह की कोई आईडी कभी गुम हुई है सर? हाँ मतलब मेरे को एक कॉल आया था, मतलब वो बोल रहा था कि आधार सेंटर से आपका एड्रेस वेरीफाई करना है, तो मैंने उसको ओटीपी और